अध्यक्ष महोदय, कोमा हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है, कोमा उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है, विराम। मैं फिर से इसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, विराम। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह समस्या एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए, कोमा देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह एक कठिन समस्या बनी हुई है, विराम। कुछ दल इस समस्या को और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोमा लेकिन हमारा दल और हम लोग इस बात के खिलाफ हैं, विराम। आप और हम भी यह जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां, कोमा जिनकी चर्चा सदन में भी हो चुकी है, कोमा यह सभी काम कर रही है, विराम। यह समस्या न केवल असम राज्य में है, कोमा बल्कि धीरे धीरे यह देश के अन्य कई राज्यों में भी पैदा हो रही है, विराम। ऐसी विदेशी शक्तियों की यह इच्छा है कि यह देश सदा के लिए अलग अलग हिस्सों में बट जाए, विराम। अगला पैरा शुरू। अध्यक्ष महोदय, कोमा इस बारे में हम सरकार के साथ हैं, विराम। हम अपने देश की एकता को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देंगे, विराम। इस सब के बावजूद हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं, कोमा जिनसे असम राज्य की इस समस्या को सुलझाने में मदद मिली हो, विराम। इस सदन के मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियां वहां पर अपना काम कर रही हैं, विराम। मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन सरकार का भी तो कर्तव्य हो जाता है कि असम राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारा जाए, ताकि विदेशी शक्तियां वहां की गरीब जनता से अनुचित लाभ न उठा सके, विराम। मुझे याद है, कोमा असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि असम राज्य के जो उन्नति के साधन हैं, कोमा वे बड़े पैमाने पर बाहर चले जाते हैं, और इस ओर उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था, विराम। लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी के इस बात की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, विराम। इसी तरह से यदि आप देखें तो आम असम राज्य की ओर से भी विकास की योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया, विराम। यही कारण है कि असम राज्य का अब तक उतना विकास नहीं हुआ, विराम, जितना कि होना चाहिए, विराम।